मैं रास्ते में सोच रहा था, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जहां पर मैं बहुत स्टाइल से रेसिंग के सीन का हिस्सा था। ख़ास तौर पे चूँकि यहाँ परमिशन नहीं मिलती शूटिंग की, तो फॉरेन कंट्रीज़ में रेसिंग के जो सीन पिक्चराइज किए जाते हैं, हु एल्स देन मी, स्टाइलिश पूरी लिमो, आगे बॉडीगार्ड्स, साथ में खूबसूरत कोई ब्लॉन्ड, ऐसे बहुत सारे रेसिंग के सीन मेरे ऊपर फिल्माए गए हैं। पर असली ज़िंदगी में मैंने कुछ ख़ास रेसिंग देखी नहीं। आज जब मिड डे और जागरण, मेरी मित्र हैं मिड डे की एडिटर शुभा, उन्होंने आमंत्रित किया और कहा कि आई मस्ट कम टू सी दिस एंड आई मस्ट कम टू हाईलाइट सर्टन इशूज, सर्टन यू नो एरिया, सर्टन कॉजेज दैट दे सपोर्ट। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। सी दरअसल क्या है, ये रेसिंग, घुड़दौड़, सजे हुए लोग, स्टाइलिश चश्मे, यू नो, ये एसोसिएट हो गया है खलनायक के साथ में शुरू की फिल्मों में, क्योंकि शुरू में जो है यू नो मॉरली नायक को इतना करेक्ट होना पड़ता था कि दैट ऐसी किसी भी जगह पर उसका दिखाई देना करेक्ट नहीं माना जाता था। सो देयरफॉर ये खलनायक के साथ ही जुड़ता है, खलनायक के साथ ही रहता है ये जो रेसिंग का मामला है। मैं पिक्चरों में खलनायक हूँ, असली ज़िंदगी में नहीं हूँ। जी मैं बिल्कुल बैटिंग नहीं, मैं तो सोशल कॉजेज को हाईलाइट करने आया हूँ। और यहाँ पर एक आध बार मैंने रेसिंग में आने की कोशिश की थी जब मैं नया नया एक्टर बन रहा था, तो कुछ ख़ास सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हर कंट्री की जो जहाँ पर रेसिंग होती है वहाँ पर मेरे ऊपर सीन्स फिल्माए गए हैं। तो मैं आज इसे देखूँगा और देख कर इसे अप्रिशिएट करूँगा। आई थिंक इट वुड बी नाइस टू जस्ट गो एंड सी एंड एक्सपीरियंस व्हाट टुडे इज गोइंग टू बी लाइक। इन फैक्ट द पटौदी फैमिली इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद हॉर्सेज बिकॉज वी हैव द पटौदी पोलो कप व्हिच हैपेंस एवरी ईयर इन दिल्ली। एंड लास्ट ईयर बोथ मी एंड सेफ वी नॉर्मली ऑलवेज गो, बट लास्ट ईयर वी कुडंट गो। So somewhere there is a relation to, you know, horses, races and polo. And it would be nice to just be a part. No, I think I'm very scared of horse riding, and neither is Saif no horse riding, though he should, he's a hero. Horse riding to jaanti nahi hu, but I'm quite fond of watching polo matches. I think it's quite nice, and I have seen do teen matches dekh chuki hu main Delhi mein, but this is the first time I'm coming here. Though as a child I visited this place a lot, kyunki I was born in town. I used to live in Nepensi Road before Karishma joined films, and when we were in school, we were in Cathedral School, to hum log Gallops restaurant aate the hamare parents ke sath, and garden mein baith ke we used to have tea and toast like a typical English evening. So I have fond memories definitely of coming to this place. No, I've actually, nobody's ever really asked me to ride a horse in a film, quite strangely. I think those days, I think they used to happen a lot in the 70s. Right. I don't think any of the actresses are like sitting and galloping on a horse, but I did a few stunts on a horse in Ashoka. Well, I don't know too much of the game, main zyada kuch janti nahi hu teams ke bare mein, but I'm sure that the best one is going to win like always. And I'm also very friendly. Meri khas dost jo hai, I think one of their horses are running, that is the Poonawalas. I'm very friendly with her, so I hope maybe her horse should win.